साथियों, देवी भक्तों की सबसे बड़ी जो साधना होती है वह नवारण मंत्र की होती है। भगवती दुर्गा का एक ऐसा मंत्र है जिसके जाप से, जिसके सुमिरन से नौ दुर्गा और तीन महादेवियां प्रसन्न हो जाती है, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। लेकिन दोस्तों, बहुत सारे लोग YouTube पे आजकल जो चैनल देखते हैं उसमें साधनाएं दी रहती है, और बहुत सारे लोग तो ऐसे रहते हैं कि जिनके जीवन में उन साधनाओं का कोई प्रभाव नहीं रहता, लेकिन YouTube पे कुछ पैसा कमाने के लिए वो उस चीज़ का अनुभव शेयर करते हैं, बताते हैं लोगों को कि नहीं, हमारे पास ऐसा अनुभव हुआ, ऐसी दृष्टि हुई, ऐसा घटित हुआ। क्या सत्य है, सत्य नहीं है, ये तो वही जाने। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि भगवती दुर्गा का साक्षात्कार पाना या भगवती दुर्गा का भक्त होना उसमें बहुत बड़ी बात है भाई, क्योंकि माता रानी का एक सच्चा भक्त रहता है। सबसे बड़ी चीज़ तो होती है कि वो माँ के मार्ग पे चलता है, झूठ कम बोलता है, लोगों की मदद ज़्यादा करता है, और अधिकांश माता रानी के भक्त के जुबा पे माँ की महिमा होती है। और दूसरी चीज़ की माता रानी के, मैं ऐसे ऐसे भक्तों के साथ जुड़ा हूँ जिनके जीवन में एक चमत्कार नहीं, हर दिन चमत्कार होते रहते हैं। दिल्ली की दीदी है, उनसे मेरी बात हुई थी, नवारण मंत्र जो उन्होंने भी जाप किया था, साधना की थी, लेकिन उनकी माँ के ऊपर कितनी भक्ति थी, कितनी श्रद्धा थी मुझे ये तो नहीं पता, लेकिन उन्होंने उनकी जुबानी मुझे बताया था। नवारण मंत्र के जाप करने के बाद में मेरे दिमाग पर एक दिमाग के अंदर एक कीड़ा आ गया था। डॉक्टर लोगों ने कहा कि भाई ये अधिक समय तक आप जीवित नहीं रह पाओगे और ये गंभीर बीमारी है, और बहुत परेशान हो गए थे। तो उन्होंने फिर और भगवती माता से प्रार्थना की, और फिर कुछ समय बाद, 4-5 महीने बाद फिर माता रानी का सादा पूजन उजन किया उन्होंने, और उसके बाद में वो जो जो कीड़ा था या जो भी छोटा सा जीव था वो वहाँ से हट गया। तो साधना करने से पहले सबसे पहले आपका मन माँ के प्रति समर्पित होना चाहिए भाई, मेरा एक अनुभव कहता है। क्योंकि साधना करना आसान है, लेकिन अगर किसी के घर में बड़ी बाधा उत्पन्न हुई है और आप आपकी शक्तियों के माध्यम से उसे हटा देते हो, तब जाके एक सच्चा साधक कहा जा सकता है। मेरे साथ एक किशन महाराज जी ऐसे ही साधक हैं कि किसी के घर में पूजा करने के लिए जाते हैं वो, और बहुत जगह इन्होंने ऐसे चमत्कार दिखाई कि जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। अभी हाल ही में एक घर पे वो हवन करने के लिए गए हुए थे और लोगों को 108 बेलपत्ती की माला बनाने के लिए बोला था, लेकिन सामने वालों ने बनाए तो सही, लेकिन उसमें 7 बेलपत्ती के जो बेलपत्ती थी वो कम थी, 108 नहीं थी पूरी। महाराज ने अपनी सिद्धि से, अपनी आत्मशक्ति से देखकर बता दिया कि आपने माला में ये 7 बेलपत्ती कम रखी हुई है, इतनी बेलपत्ती कम है। और वास्तव में जब वो वहाँ के जो भैया ने काउंटिंग की उसकी, तो वास्तव में वो 7 बेलपत्र कम थी। ऐसा ही नहीं, हाल ही में आज जो नवरात्रि का जो 5वां दिन है, स्कंद माता का पूजन हुआ है, और माता रानी मेरे स्वयं कह सकते हो कि माता के मैं देव स्थान पर बैठ के बोल रहा हूँ, और झूठ तो बोलना बहुत दूर की बात है। एक दीदी है जिनका कहते हैं कि उनके पति ने उनको छोड़ दिया है, और उनके पति को किसी ने वशीकरण और किसी प्रकार का उच्चाटन कर्म कर दिया है, और वो बहुत दुखी थी। उनकी मम्मी का मुझे फ़ोन आया था कि भैया कोई रास्ता मुझे बताइए अपने बेटी के लिए। आज मेरी उनसे बात हुई, और मेरी बात होते ही मैंने देवी माता के जो साधक है किशन महाराज जी, उसकी बात करवा ली। फिर बताया कि भाई क्या क्या हुआ था, सब बातें हुई, इन्होंने फिर उसकी पूजा उजा करवा दी, फोन पे मंत्र वंत्र उच्चारण करवा लिया, और इन्होंने कहा कि भाई आपके पास जायफल है क्या? तो दीदी ने कहा कि जायफल नहीं है मेरे पास। फिर इन्होंने इधर से देखा कि नहीं, जायफल तो तुम्हारे घर में 5 है। जब इन्होंने बोला तो मैंने बोला कि एक बार दीदी देखो तो सही होगा, वास्तव में उनके यहाँ जायफल मिल गया, और फिर उनका पूजन हुआ। तो ऐसे ही माता रानी की कृपा और आशीर्वाद मुझ पर भी बना हुआ है, मेरी माँ अम्बा देवी। मेरे अनुभव और मेरा जो सफ़र है भक्ति मार्ग में, आप सोशल मीडिया पे मेरे वीडियोस को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हो कि कब मैं कहाँ गया हूँगा और कितना माँ के प्रति मैंने समर्पण रखा हूँगा, मेरे जीवन में कितने चमत्कार हुए होंगे इसकी भी कल्पना नहीं कर सकते। सोशल मीडिया पे वीडियोस बनाना और वीडियो में भी लोगों को अपनी ओरिजिनल स्थिति का नहीं बताना या किसी का ऐसा कार्य करना बहुत छोटी बात है। वो तो मैं तो माँ की गुफाओं में, माँ अम्बा माई ताप्ती मैया
प्रचार करने के लिए गया तो मेरे बहुत सारे अनुभव जुड़े हैं। एक दीदी थी इंदौर की, तो उनको मैंने बताया कि दीदी आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप सप्तशती का पाठ करिए। सती का पाठ करने के लिए बोला क्या कि उनके उनके पति के साथ पढ़ती नहीं थी, पति के साथ हमेशा विवाद होते रहते थे, लेकिन उन्होंने जैसे ही मेरे कहने पर माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ किया, माता जी का कवच अवच जो भी सुना मोबाइल में सुना और पाठ किया, उसके बाद उनके दूसरे दिन जो असर दिखना चालू हुआ उनको, फ़ोन करके बोला कि रविंद्र भैया वास्तव में माता रानी का जो महात्म्य का अध्ययन किया मैंने, उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है और भी मुझे बताना आप, मैं देवी का हवन भी करूँगी। बड़ी खुशी मिली। दीदी का नाम पूनम था, तो दीदी को मैंने और भी बताया कि कुछ प्रॉब्लम हो मुझसे जो मदद चाहिए बताइएगा। और एक और मेरी बहन बैतूल की है, वो दीदी के शरीर में किसी ने कुछ कर दिया था तो उनको भूत प्रेत लग गया था, और भूत प्रेत हमने किशन महाराज जी के माध्यम से निकाला, जो पंडित जी थे वो ताल खमरा लेके गए थे और उनके शरीर से निकाला, और उन्होंने पूरा बग भी दिया कि क्या क्या हुआ था, किसने खिलाया था, क्या क्या चीज़ें थी। तो इस नवरात्रि पे मेरे मुझे फ़ोन आया उनका कि भैया मैं मुझे भी कुछ बताइए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैंने बोला दीदी कि आप माता रानी का पूजन वूजन करिए, अखंड जोत जलाइए अपने घर पर, रानी का जो नवारण मंत्र है उस मंत्र का जाप करिए, आपसे जैसा भी हो सके संकल्प माँ से बहुत सीधा और सरल लेना, किसी प्रकार के आप संकल्प में फंसना मत, क्योंकि माता से संकल्प अगर आप ऐसा कर लेते और जो निभा नहीं सके हो तो माता माँ है वो, फिर माता के प्रकोप का आप शिकार हो सकते हो। और बिल्कुल मेरे कहने अनुसार उन्होंने उनसे जैसा बना वैसा संकल्प लिया और माता रानी की प्रार्थना की, और उन्होंने फिर मुझे अगले दिन फ़ोन करके बोला कि भैया मुझे रात को नव दुर्गा के दर्शन हुए और माता रानी के दर्शन हुए, तो ये सही है कि गलत है, मुझे इससे फ़ायदा है कि नुकसान है। मैंने कहा दीदी को फ़ायदा है, मैंने फिर पंडित जी से भी बात कराई कि पंडित जी ये जो स्वप्न दिखा है तो इसका क्या संकेत है, बोले माता जी का स्वप्न दिखा है, वो माता का आशीर्वाद मिल रहा है, माता रक्षा के लिए आ रही है, तो नव दुर्गा के दर्शन होना बड़ा पुण्य कार्य है, लोग तो तरसते हैं इसके लिए। तो मैं भी इस नवरात्रि माँ भगवती दुर्गा के नवान मंत्र की साधना कर रहा हूँ। साधना ऐसी कि मेरी बहुत सरल साधना है, क्योंकि माँ से मेरा रिश्ता बहुत ही करीबी है, क्योंकि मेरा समर्पण माँ के प्रति इतना बहुत ही ज़्यादा है, तो माँ से मुझे उतनी तकलीफ नहीं होती है। तकलीफ उन लोगों के लिए होती है, उन लोगों को तकलीफ होती है, भले सात्विक मंत्र है माता जी का, लेकिन तकलीफ उन लोगों के लिए होती है कि जिन्होंने जिंदगी भर कभी माँ से प्रेम स्नेह नहीं किया, कभी माता के लिए समर्पण नहीं रखा, भगवती दुर्गा के लिए, माँ अम्बा के लिए, और जब जरूरत पड़ी है किसी प्रकार का उनको कोई कार्य करना है तो वो माँ की शरण में आ गए। माँ भगवती दुर्गा खुद का मन जीत ले तो ऐसा तो हो नहीं सकता, असंभव चीज़ है। दीदी है, उन्होंने मुझे बताया कि भैया मैंने वो एक साधना और रहस्य करके एक चैनल देखा है और उसके हिसाब से मैंने साधना करी, मैंने इतनी माला जाप करी, ये साधना करी, लक्ष्मी जी की साधना करी और माता दुर्गा के नवान मंत्र की साधना करी, लेकिन मुझे कोई फल प्राप्त नहीं। और वो अभी भी फिलहाल में भी 31 कुछ माला ऐसे जाप कर रही है नवान मंत्र की। तो जाप करने का अर्थ ये नहीं है कि आपको माता रानी का दर्शन प्राप्त हो जाएगा या आपको माँ भगवती प्रसन्न हो जाएंगे। जब तक आपका माँ से रिश्ता नहीं जुड़ जाता है बिना स्वार्थ के, तब तक माँ आपको किसी प्रकार का फायदा नहीं पहुँचाएंगी, किसी प्रकार का आपको स्वप्न नहीं देंगी या किसी प्रकार का आपको साक्षात्कार नहीं करेंगी। और मेरे जीवन में भगवती दुर्गा की कृपा से बहुत चमत्कार होते ही रहते हैं। जो माँ अम्बा का दरबार है मेरी माता जी का, उस दरबार में भी एक बार हम रात के 4 बजे दर्शन करने के लिए गए तो हमारे पास एक काला डॉग कुत्ता आ गया और हमें ऊपर पहाड़ी में जंगल के घने जंगलों में लेकर गया। तो अम्बा माई जो विख्यात अम्बा देवी मंदिर है, आप उसका डालूंगी यूट्यूब पे, अम्बा देवी मंदिर धारूल, अम्बा देवी मंदिर बैतूल, तो आपको पता चलेगा कि अम्बा देवी क्या है, मंदिर क्या है, कैसी शक्ति है वहाँ पे। उसके बाद आप बताइएगा अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है ऐसी जो आप चाहते हो कि मैं आपकी किसी प्रकार की मदद करूँ, तो आप वीडियो के कमेंट्स कर सकते हो। और आपको फ़ोन पे भी किसी प्रकार का अगर कुछ आपके बारे में जानना है तो निश्चित हम आपका वो भी सपोर्ट करेंगे। और वीडियो अगर मेरा अच्छा भी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा अंत में।